और आपसे आकर सबने कहा ये कांग्रेस ने, आरजेडी ने, नीतीश कुमार ने, और कटवाओं का साथ मत दो, मंजलिस पर इल्जाम लगाया, बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है, आरएसएस और भगवत को भगाना है, आरक्षण को बचाना है, ये बड़े बड़े बातें हुई। और हमेशा की तरह सीमांचल का हमारा भोला भाला भाई बड़ा शरीफ है, उसने कहा भाई बात तो सही कर रहा है, मोदी को भगाना है, आरएसएस को रोकना है, हमको बिहार को बचाना है। सबने कहा अख्तर भाई, असद साहब जरा इस बार खामोश हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, अब गठबंधन को और देना है, गठबंधन गठबंधन को देना। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, मोदी को हराना, मोदी को हराना है, आरएसएस को भगाना है, भगवत को हराना है। मेरे भाई आपने तो और दिया, गुलाम सरवर का तो साथ नहीं दिया, अख्तर उल ईमान की जिंदगी भर की मेहनत को आपने फरामोश कर दिया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि एक अख्तर उल ईमान कामयाब हो जाते, एक गुलाम सरवर कामयाब हो जाता, एक पासवान यादिल कामयाब हो जाते, और ये चार पांच कामयाब होने के बाद बिहार की असेंबली में जाते तो खुदा की कसम बिहार की असेंबली के दरो दीवार पुकार पुकार कर कहते कि बरसों के बाद कोई मर्द आया है बिहार के असेंबली में। अभी जिताओ इनको, जिता कर नारे मारो, जब इलेक्शन आएगा वोट डालोगे नहीं डालोगे? मारना है बटन को, दबाना है दबा दबाकर, जिन्होंने तुमको दबाया, सीमांचल को दबाया, उनको दबाओ और सीमांचल को कामयाब करो, ये काम आपको करना है।